पढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको? पढ़ने के लिए आपका मन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए और एक अच्छी सोच और समझ होनी चाहिए। और पढ़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या आप SSC की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हो, केवल बस आप तैयारी कर रहे हो, ये टारगेट होना चाहिए आपका पहला। दूसरा टारगेट होना चाहिए कि आपको चीज़ें क्या चाहिए इस टारगेट को पूरा करने के लिए। दूसरी चीज़, आपको चीज़ें क्या चाहिए इस टारगेट को पूरा करने के लिए, वो संसाधन, वो किताबें, वो चीज़ें आपको जुटानी पड़ेंगी। और चौथी चीज़, उस मैकेनिज्म में हमें काम कैसे करना है, यानी कि कब किस किताब को पढ़ना है, कब किस कोचिंग को लेना है, कब किस क्लास को अटेंड करना है। ये चीज़ें आपको जब समझ में आ जाएंगी, तब आप सरकारी नौकरी की तैयारी चाहे जैसे करो, चाहे कहीं भी करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं कमेंट देखता हूँ, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मेरी जो गणित है उसमें बहुत समस्या आती है, आप कृपया करके उसको बताएं कैसे उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। कोई भी वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, आपके मन में ये रहता होगा कि कहीं ना कहीं यूट्यूब पे कोई ना कोई ऐसी वीडियोस छुपी है जिसमें बहुत सारे राज होंगे, जो साइंस के लिए भी होगा, रीजनिंग के लिए भी होगा, मैथ के लिए भी होगा, करंट अफेयर के लिए भी होगा, हर सब्जेक्ट के लिए होगा। और वो चीज़ अगर मैं देख लेता हूँ तो मेरी दुनिया बदल जाएगी, मुझे सब कुछ आने लगेगा, मैं मैथ में 100 में से 100 कर लूँगा, साइंस में 100 में 100 कर लूँगा, यानी 100% मैं कर पाऊँगा। लेकिन बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको समझा दूँ कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे साल यूट्यूब पे ढूंढते फिरते रह जाओगे, और पूरे साल, पूरे महीने, पूरे दिन अगर आप उस सब्जेक्ट पे काम करना शुरू कर दोगे, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे देख कर जो टिप्स और टेक्निक्स आप फॉलो कर रहे हो, उससे ज़्यादा तो आप खुद से सीख जाओगे गलतियाँ करते करते, ठीक है? तो ऐसा कोई भी मेथड नहीं है, केवल रास्ता है। आप 4-5 रास्तों को देख लो और उन रास्तों को समझ लो कि किस रास्ते पे मैं चल सकता हूँ, समझे? 4-5 रास्ते देख लो और उन रास्तों को समझ लो मैं किस रास्ते पे चल सकता हूँ, यानी कि 4-5 वीडियोस से आप जो चीज़ें हैं उसको गेन कर लो, इन्फॉर्मेशन, और अपने आप को समझो, एनालाइज़ करो कि मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे आप गणित को ही ले लो, तो गणित में आप लोग कहते हो कि मुझे नहीं आता, मेरे नंबर कम आते हैं। इसका जो बेस है, जो जड़ है, वो यही है कि आपने 10th तक मैथ को अच्छे से पढ़ा नहीं है, 10th तक मैथ को अच्छे से पढ़ा नहीं है। अब आप मैथ में थोड़ा सा एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो, केवल आप ये जानना चाहते हो कि कोई एक चीज़ बता दे, उसको करने के बाद मेरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, जो भी सब्जेक्ट नहीं आता है उसके पीछे पड़ जाओ, जो भी सब्जेक्ट नहीं आता है उसके पीछे पड़ जाओ, क्योंकि अगर आपने तैयारी शुरू कर लिया, इसका मतलब आपने उसका बेसिक पढ़ा है, आपने मैथ पढ़ रहे हो कंपटीशन का, इसका मतलब आपको पहाड़े आते हैं, स्क्वायर आता है, स्क्वायर क्यूब आता है, ठीक है? ये सारी बेसिक चीज़ें आती हैं, गुणा आता है, भाग आता है, सिंप्लीफिकेशन आता है, LCM SCM आता है, टाइम एंड वर्क आता है, यानी कुछ कुछ आता है। तो इसके पीछे जब तक नहीं पढ़ोगे, तब तक कोई टेक्निक ट्रिप्स आपके काम नहीं आएगी। इसी तरीके से साइंस है, इसी तरीके से रीजनिंग है। हाँ, रास्ते बता सकते हैं कुछ लोग कि उस रास्ते पे चल के आप कर सकते हो। आप ये फील लो ना कि आपको नौकरी लेना किस लिए है। जब भी नौकरी लेने की बात आती है, तो आप एक ऐसी डाली ढूंढना चाहते हो जो आप, जिसको आप पकड़ लो और वो आपको ऊपर ले जाए। नहीं, आपको खुद से पेड़ों को पकड़ के चढ़ना सीखना होगा, कोई आपको ऊपर लेके नहीं जाएगा, समझे? ये नौकरी का सवाल है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपके माँ बाप का सवाल है, आपके भाई बहन का सवाल है, समझे? इसलिए मेहनत अपने से करना होगा, दूसरा आपके लिए मेहनत नहीं कर सकता है, दूसरा आपको केवल रास्ता बता सकता है। और वो भी आज के जीवन में कोई रास्ता सही बताने वाला इंसान है ही नहीं, चाहे वो मैं क्यों ना हो, मेरे भी बताए हुए कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत रॉन्ग वे में चली जाती है कई बच्चों के जीवन में। मैं सबके लिए जो चीज़ बता रहा हूँ, वो हो सकता है कि सबके जीवन में फ़िट नहीं बैठती है, लेकिन आप अपने जीवन में क्या फ़िट बैठ रहा है, वो कैसे करना है, वो तो मैं आपको सिखा देता हूँ ना कि कैसे करना है। सरकारी नौकरी बहुत ही टेढ़ी खीर है, लेकिन मेहनत करने वाले के लिए नहीं है। जैसे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा ना, इसको लेकर आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं। मैं बता देता हूँ कि यार, हम जैसे लोग यूट्यूब पे अगर आपको एग्जैक्ट डेट बताने लग जाएंगे, तो फिर रेलवे का काम क्या रह जाएगा? जब तक रेलवे की वेबसाइट, रेलवे के जो मंत्रालय हैं उनके ट्विटर पे कोई डेट अनाउंस नहीं होता है, तब तक कोई कैसे बता सकता है एग्जैक्ट डेट? एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता, केवल एक्सपेक्ट बता सकते हैं। अब तक जिन्होंने भी एक्सपेक्ट बताया, वो सारा का सारा गलत ही साबित हुआ है। तो इसलिए अब डेट बताना सही नहीं रहेगा, केवल आप तैयारी कीजिए। तैयारी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तैयारी में आपको मोटिवेशन नहीं है, मेरी वीडियोस देख लीजिए, आपको मोटिवेशन से ऊर्जा मिलेगी पढ़ने की, और आप पढ़िए, समझे? आज की वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को कम से कम 200 लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा नए हो तो। और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम डेट है वो मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा कि किस महीने तक पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। सोन इंतज़ार कीजिएगा। जय हिंद।